होता बहुत मौके थे, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं खुद ही रामायण वासी हूं। मेरा घर का नाम रामायण है। हम चार भाई हैं, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। पूरे देश में शायद पहला परिवार होगा जिसके चार बेटे हैं, डॉक्टर राम सिन्हा, डॉक्टर लखन सिन्हा, डॉक्टर भरत सिन्हा। मैं तो खैर कंपाउंडर बनने के लायक नहीं था, लायक भी नहीं था, इसलिए शत्रुघ्न के आगे वो परफेक्ट नहीं लग सका। ये बात अलग है, मैं एक दिन देश का हेल्थ मिनिस्टर बन गया। तो चार भाई हैं, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। बच्चों के नाम लवर, कुश। मेरे घर का जो संचालन करते रहे उनका नाम पवन कुमार। तो मेरे लिए तो रामायण का मुद्दा जो है ये, और खासकर अभी राम मंदिर का मुद्दा जो है, वो सही मानों में या तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मुद्दा है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा है। इसलिए इसमें मैं ना बोलूं तो बेहतर होगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा इस मामले पे कि मेरे लिए सबसे अहम है मानव मंदिर का निर्माण, मानवता का निर्माण, जिसमें रोजगार है, हेल्थ है, एजुकेशन है, खुशहाली है। ये मानव मंदिर, मानवता का निर्माण मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी जो वो लोग कर रहे हैं और जिस हालत में और जिस वक्त में कर रहे हैं, तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आपका अगला दुश्मन को आप क्यों अलग थलग कर रहे हैं? इसलिए अलग थलग कर रहे हैं साहब, मंत्री नहीं बना के शत्रुघ्न सिन्हा को मंत्री। अरे मंत्री बनाया भी जाता आज के दिन में तो क्या हो जाता? अगर रवैया ये है कि 90% से ज्यादा मंत्रियों को तो आप जानते नहीं है, जानते हैं तो मानते नहीं है, मानते हैं तो पहचानते नहीं है, पहचानते हैं तो उसके बाद किसी काम के लिए उनके पास चले जाए तो किसी काम के नहीं है। आपसे ही पूछा जाए अभी 90% लोग नहीं बता पाएगा कि देश का इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है। अभी पूछिए लोगों से देश का कपड़ा मंत्री कौन है, ये पूछ पूछ के थक जाएंगे, नहीं बता पाएंगे कि सारा काम तो पीएमओ से चल रहा है। तो फिर लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हित में, संविधान की रक्षा के लिए, राष्ट्रहित में अगर मैं खुलकर आता हूं सामने तो ये कोई बगावत नहीं है, ये राष्ट्र प्रेम है, ये देश प्रेम है। मैं जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हूं, मैं पूरे देश में वोट। आप देख रहे हैं मेरे सामने इस वक्त कोई झंडा नहीं, मेरे पीछे भी कोई बैनर नहीं। तो मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी निजी कैपेसिटी में, अपनी क्षमता के मुताबिक मैं अगर चल रहा हूँ, एक कलाकार के नाते, एक संवेदनशील, एक देश का जागरूक नागरिक के नाते, और सच को सच और गलत को गलत कहने की क्षमता रखने वाला, मानदा रखने वाला इंसान के नाते, तो मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं। जो मैं कहता हूँ कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, मैं अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं कहता, मैं अपने पार्टी अध्यक्ष या किसी के, मेरी आदत ही नहीं है, फितरत ही नहीं है। मैं मुद्दों पे बात करता हूँ। मेरे लिए मुद्दे जो हैं वो कोई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई और नहीं। मेरे लिए मुद्दे मुद्दे हैं, हमारे लिए मुद्दे मुद्दे हैं। किसानों का मुद्दा मुद्दा है हमारे लिए, मजदूरों का मुद्दा मुद्दा है हमारी, तरक्की हमारे लिए मुद्दा है, आर्थिक उन्नति हमारे लिए मुद्दा है। ये जो प्रोमिस किए थे, प्रोमिस फुलफिल नहीं कर पा रहे हम लोग, हमारे लोग, वो मुद्दा।